तो हेलो बसीत के लोगों, तो कैसे आप सब लोग ऊपर तो क्या बढ़िया और अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में टाटा मार्को वाला V3 बस मोड का रिव्यू करेंगे। तो इस बस मोड को CPI प्रोजेक्ट चैनल ने बनाया है और इसका डाउनलोड लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उधर जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हो। तो इस बस मोड का की फीचर है कि इसका टॉप स्पीड गाइस, आपको इसमें एक कमाल का स्पीड देखने को मिलता है जो कि बढ़िया बात है। तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ घंटे को भी ज़रूर दबाएँ और हमें इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो करें क्योंकि हम उधर भी ड्राइविंग कंटेंट लाते रहेंगे। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके इंजन साउंड को देखेंगे, तो चलो इंजन साउंड की ओर। तो आपको कुछ इस तरह का एक्सटीरियर देखने को मिलता है। तो एक्सटीरियर टीटा के हिसाब से एक बढ़िया सा एक्सटीरियर देखने को मिलेगा, लेकिन इसका लाइट का विजिबिलिटी उतना खास नहीं लगा मुझे। और खास बात है कि आपको इसमें ड्राइवर और पैसेंजर सब कुछ देखने को मिलता है जो कि बढ़िया बात है। और आपको इसमें सीट पर भी थोड़ा डिटेलिंग देखने को मिलता है, जैसे कि आपको इस मोड के सीट्स पर लेग देखने को मिलता है जो कि पिछले मार्को पोलो पर मिसिंग था। और आप इधर इसका डोर एनिमेशन देख सकते हो, आपको कुछ इस तरह का डोर एनिमेशन देखने को मिलता है। तो डोर एनिमेशन का इफेक्ट अच्छा है गाइस, लेकिन आपको थोड़ा मॉडलिंग इश्यू देखने को मिलता है डोर एनिमेशन पर। और आपको इस मोड में रियलिस्टिक रेन इफेक्ट देखने को मिलता है जो कि कमाल का है। और उसके साथ साथ सामने की ओर दो वाइपर भी दिया है जो कि फुल्ली फंक्शनिंग है। और इस मोड में आपको तीन तरह के एनिमेशन ही देखने को मिलेगा। तो पहले वाले एनिमेशन से ORVM का सपोर्ट चेंज होता है, इसका इफेक्ट आप इधर देख सकते हो। और दूसरे वाले MG से ड्राइवर साइड का डोर ओपन होता है और उसके साथ साथ कैरियर भी ओपन होता है गाइस। तो आपको ड्राइवर साइड के डोर पर उतना डिटेलिंग देखने को नहीं मिलता, आप इधर देख सकते हो। और तीसरे वाले MG से विंडो ओपन होती है गाइस, जिसका इफेक्ट अच्छा है। तो उसका एनिमेशन भी अच्छा है गाइस, आपको एक बढ़िया सा एनिमेशन देखने को मिलता है। और इसका लिवरी का कलर भी ज़बरदस्त है, आपको एक बढ़िया सा लिवरी देखने को मिलता है। और ये लिवरी सपोर्ट करती है गाइस, मतलब आप इस मोड पर और भी लिवरीज डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो। तो ओवरऑल बहुत ही बढ़िया मोड है। तो आप इधर इसका इंटीरियर देख सकते हो, आपको जिस तरह का इंटीरियर देखने को मिलता है। तो इसका ग्लास एरिया सब कुछ बढ़िया है गाइस, ड्राइविंग एंगल भी सही है। तो आपको इसके इंटीरियर में इल्यूमिनेशन और डायल देखने को मिलता है, लेकिन आपको किसी प्रकार के इंडिकेशन देखने को नहीं मिलता इंटीरियर की तरफ। तो इसका ड्राइविंग एंगल और स्पीड, ब्रेकिंग, सस्पेंशन सब कुछ अच्छा है गाइस। तो इसका स्पीड बढ़िया है गाइस, आपको एक हाई स्पीड देखने को मिलता है। और ब्रेकिंग तो पावरफुल है गाइस, मतलब बहुत ही कमाल का ब्रेकिंग है। और स्टेबिलिटी भी अच्छा है गाइस, लेकिन टॉप स्पीड पर इसका स्टीयरिंग फीडबैक उतना खास नहीं लगा, आपको एक डिसेंट सा स्टीयरिंग फीडबैक देखने को मिलता है टॉप स्पीड पर। लेकिन मीडियम स्पीड पर आपको अच्छा सा स्टीयरिंग फीडबैक देखने को मिलेगा। तो बहुत ही स्टेबल मोड है, आपको इसे चलाने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, थोड़ा अच्छा मोड है। तो नीचे कमेंट करें कि आपको ये मोड कैसा लगा, तो मुझे तो बढ़िया लगा। तो अगर आपके पास कोई भी मॉडल रिलेटेड इश्यूज हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हो। तो मैं आशा करता हूँ कि आपकी वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपकी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो करें। तो आज की वीडियो में इतना ही था, मैं आपसे अगले में मुलाकात करूँगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पीस आउट।